दूर करने की वो कौन सी क्रांतिकारी और इंटरनेशनल विधियां हैं जो हम हमारे केंद्र में इस्तेमाल करके इस क्षेत्र के जो बे औलाद और निसंतान दंपति हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें विर्क इन्फर्टिलिटी सेंटर 662 गुरु तेग बहादुर नगर नियर गुरु रविदास चौक जलंधर सिटी पंजाब। फोन 2274296, मोबाइल 98140 37738। अज के एपीसोड दे विच तुहानू बे औलादपन नू दूर करन वास्ते सीमन बैंक जां वीरज बैंक, एम्ब्रियो बैंक, एग बैंक। सीमन बैंक हुंदा आ वीरज नू स्टोर करके रखना, एम्ब्रियो बैंक हुंदा आ भी 4 सैल स्टेज ते 8 सैल स्टेज ते भ्रूण बच्चा जिहड़ा आ उहनू फ्रीज करके रख लैना। ओवा बैंक हुंदा एग बैंक, अंडे जिहड़े आ उह भी फ्रीज करके रखने ताकि जदों जदों इन्हां तिन्हां चीज़ां दी लोड़ पवे तो इन तिना चीज़ों के स्पर्म्स वीरज, एम्ब्रियो भ्रूण अते एग, ये तीनों चीज़ इस्तेमाल करके असी अपने बे औलाद जोड़ियां नू संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। सब तो पहला तो आइए वीरज बैंक। हुण वीरज बैंक की लोड़ उन्हां मरीजों के विच पैंदी आ, नंबर वन जिथे के घर वाले दे विच शुकराणु बिल्कुल ही निल होण। उहदा वीरज टैसट किया पता लग्या भी शुकराणु निल आ, तो असी उस घर वाले का जिहड़ा स्किन कलर, हेयर कलर, तो आई कलर, तो ब्लड ग्रुप इहदे नाल मैच करदा, असी बैंक दे विच्चों ही शुकराणु लै के उस घरवाली उहदी घरवाली दे अंडे दे कोल छड्डीदा है, तो उहनां नूं बच्चा ठहर जांदा है, तो संतान सुख की प्राप्ति हो जाती। सो नंबर वन ते वीरज बैंक की लोड़ पैंदी आ उहनां मरीजां 'च जिथे कि शुकराणु बिल्कुल ही निल आ। दूसरा उन्हां मरीजां दे विच लोड पैंदी जिथे शुकराणु घट आ। हुण जदों शुकराणु घट आ ते उहदे विच असी की करीदा कि उस बंदे दा, उस मर्द दा शुकराणु एक वारी पहला लईदा आ, उहनूं वॉश करके, ते वीरज बैंक इह साडा वीरज बैंक आ इहदे विच असी उहनूं फ्रीज़ कर देईदा आ। उस तों बाद फिर हफ्ते बाद उहनूं कहीदा वीरज दे, फिर 3-4 वारी इस नाल कट्ठियां कर करके असी उहदा इस बैंक दे विच फ्रीज कर देईदा है, तो उहदा काउंट नॉर्मल हो जाता है। तीसरा उहनां कैटेगरी दे विच वीरज बैंक की सीमन बैंक की लोड़ पैंदी है जिथे कि घर वाला जिहड़ा आ उहदा किते कोई कैंसर का इलाज होना है। जदों भी कैंसर का इलाज हुंदा आ तो उदों उहदे अंडकोश के उत्ते कैंसर का जिहड़े भी विधि राही इलाज करना है उहदा बड़ा असर पैंदा, तो शुकराणु जिहड़े आ सारे खत्म हो जाते हैं। इहो जे मर्द जिन्हां ने कि अजे उन्हां दे बच्चे नहीं होए लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्हां नूं पता लग्या अचानक कि उन्हां दे कैंसर दे रोगी ने, तो वह कैंसर दे इलाज कराउण तों पहलां उन्हां नूं चाहीदा है कि अपना वीरज किसी वीरज बैंक दे विच जमा करवा देण, ताकि वह वीरज अगे जदों उहदा विआह हुंदा जां जे विआह होया आ ते गां उहने जदों बच्चा पैदा करना है तो वह वीरज असी इस्तेमाल कर सकीए संतान सुख की प्राप्ति वास्ते। जिन्हें भी प्रवासी भारती आ जिन्हां ने कि बे औलादपन का इलाज कराना है अते वह ज़्यादा वरी हिंदुस्तान नहीं आ सकते लेकिन उन्हां दी घरवाली इत्थे आ के इलाज करवा सकती है, तो ये भारती मेल्स जिहड़े घर वाले इत्थे आ के अपना वीरज किसी चंगे रिसर्च केंद्र दे विच उन्हां दे वीरज बैंक दे विच जमा करा सकते हैं, अते वह वीरज वो जमा करा के वापस चले जाण अपने मुल्क, अते वह वीरज जिहड़ा जमा होया साडे कोल इस सीमन बैंक दे विच वह असी जदों भी लोड़ हुंदी आ उहदे घरवाली इत्थे ही हुंदी आ, असी उहदा इलाज करके उहनां नूं संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। हुण भ्रूण बैंक जिहड़ा एम्ब्रियो बैंक आ उहदे विच की आ भी IVF कीता आ, काफ़ी बच्चे बने लेकिन अंदर तो असी सिर्फ 3 जां 4 बच्चे ही पाने आ जां 2 ही बच्चे पाने आ, जिहड़े बाकी एम्ब्रियोस बने उन्हां दा की करिए। उन्हां नूं असीं एस मशीन आ इहनूं क्रायो फ्रीज कहिंदे आ, इस मशीन राहीं असीं वह भ्रूण जिहड़े आ एम्ब्रियोस आ उन्हां नूं 4 सैल स्टेज 8 सैल ते इस बैंक दे विच जमा करा देईदा आ, ताकि अगली वारी फिर सिर्फ वह बच्चे ही कढ़ी दे आ ते उस लेडी दे बच्चेदानी दे अंदर रख देईदे आ। हुण मैं तुहानूं दस्सांगा ਬਈ ਵੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਆ ਵੀਰਜ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ
क्रायो फ्रीज मीडिया इनू स्पर्म फ्रीज कहिंदे आ, इहदे नाल मिलाईदा आ उस वीरज नू, उहनू मिक्स करन तो बाद एस क्यूबिट दे विच, इह जिहड़ी क्यूबिट आ इहदे विच असी उह सारा वीरज पा देईदा आ। इस वीरज नू फिर असी जदों क्रायो फ्रीज नाल मिलाता तो इस क्यूबिट नू, इस डब्बी नू असी जिहदे विच कि वीरज हुण पहुँच गया आ, असी इस बैंक दे विच डिप कर देईदा आ। ये तुसी देख रहे हो इहदा टैंपरेचर जिहड़ा -196 डिग्रीज आ लिक्विड नाइट्रोजन दे करके, अते इहदे विच असी इहनू रख देईदा आ। रखण तों पहलां मरीज़ दा नाँ, उहदी उमर अते उहदा कैटलॉग नंबर जरूर इहदे विच लिखिया जांदा आ, ताकि बाद दे विच जदों असी कढ़ना है तो सानू पता होवे भी इह असी जिहड़ी क्यूबिट आ इहदे विच किस मरीज़ दा असी वीरज जमा कराया है। इस बैंक दे विच भावें तुसी 20 साल तक वीरज नूं जमा रख सकते हो, ये इस दी खूबी आ। सो इस विधि दे राही असी उन्हां बे औलाद जोड़ियां नूं संतान सुख की प्राप्ति करा सकते हैं जिन्हां दे विच शुकराणु निल आ, शुकराणु घट आ, जां जिहड़े घर वाले हो बाहरले मुल्कां च रहिण डे आ, फौजी ने जिहड़े कि ज़्यादातर जल्दी आ नहीं सकते केंद्र दे विच अते अपने घर वालियों तो दूर रहिंदे आ, वो अपना वीरज इस वीरज बैंक दे विच जमा करवा के अते जदों भी लोड़ पवे इलाज करवा के संतान सुख की प्राप्ति कर सकते। इकसी विधि की आ, किन्ना मरीजों दे विच इहदा इस्तेमाल किया जाता है, अते इस विधि नाल किहड़े वो जोड़े हैं जिहड़े कि संतान सुख की प्राप्ति करते हैं, उहदे बारे विस्तार पूर्वक असी अज दे एपीसोड दे विच तुहानूं दस्सांगे। इकसी विधि राही असी उन्हां केसिस दे विच बच्चे पैदा करीदे आ जिन्हां दे विच कि असी जे IVF कर चुके हाँ लेकिन अंडा ते स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, उन्हां विच असी इकसी करीदी आ भी अंडे ते स्पर्म नूं आप मिला दो। बाकी उन्हां मरीजां दे विच असी इकसी करीदी आ जिन्हां दे विच स्पर्म्स बन रहे आ लेकिन बाहर आउण दा रस्ता बंद आ जां उह रस्ता है ही नहीं बचपन तों। मीज़ा, पीज़ा ते टीज़ा, ये तीन विधियां आ जिहदे राही असी कीटाणुआं नूं बाहर कढ लईदा आ। यह कीटाणु तुसी देख रहे जे इस ट्यूब दे विच आ गए, तो इन कीटाणुओं नू असी वॉश करके, यह देख रहे तुसी कीटाणु, इन कीटाणुओं नू वॉश करके तो असी लैब दे विच भेज देईदा है। ये विधि आ टीज़ा जिहदे विच असी स्पर्म्स दे नाल नाल होर भी जिहड़ियां ट्यूब्यूल्स आ उह भी बाहर आ जांदे हन, उहदे विचों असी आ कीटाणु कढ लईदे आ। तुसी देख रहे हो भी कीटाणु आ गए। अंडे जिहड़े आ स्कैन दे उत्ते इस तरह दिसदे आ, इह सैक हैगा जिहदे विच अंडा आ, इहदे विच नीडल पहुँच जांदी आ, देख रहे हो तुसी नीडल पहुँच गई आ जिन्ने कि अंडे नूं बाहर सक करना है साडे IVF थिएटर दे विच। इह हुण सारा अंडा बाहर आ गया, इह हुण दूसरा अंडा आ, इहदे विचों भी अंडा कढ़िया जा रहा है फॉलीकल पिकअप नीडल दे राहीं। इस अंडियां नूं असी अपने लैबोरेटरी दे विच लैईदा है, तुसी देख रहे हो जो साडी लैबोरेटरी आ जिहदे विच कि इस माइक्रोस्कोप दे थल्ले अंडियां नूं देखिया जांदा है। इह हुण तुसी देख रहे हो इह अंडा आ, माइक्रोस्कोप दे थल्ले अंडा इस तरह दा दिसदा। इन्हां अंडियां नूं फिर टिशू कल्चर मीडिया दे विच, इह वी इक अंडा आ, इह फिर इक अंडा आ गया, इहनूं असी टिशू कल्चर मीडिया दे विच पा के वॉश करके टिशू कल्चर डिश जिहड़ी आ साडी फोरवेल उहदे विच पा के इहनूं इनक्यूबेटर 'च रख देईदा आ, CO2 इनक्यूबेटर। इन्हां अंडियां नूं फिर असीं इन्हां दी जिहड़ी बाहर दी झिल्ली आ उस तों अलग करीदा आ, जिहनूं कि ओह साइड डीन्यूडिंग कहीदा आ। ओह साइड डीन्यूडिंग करके ये अंडे तैयार हो जांदे आ IVF जां इकसी विधि वास्ते। ये तुसीं देख रहे जे भी ये अंडा पिया आ, इहनूं इस ट्यूब दे विच असीं सक कर लईदा आ, खिच लईदा आ, अते इस तों बाद यह अंडा पिया आ इहनूं वॉश करके मीडिया दे विच पा के इकसी नीडल दे राहीं इस अंडे नूं पकड़िया जांदा आ। यह इकसी नीडल आ जिन्ने के अंडे नूं पकड़ना आ। हुण इस वेले उस नीडल नूं माइक्रो मैनुपलेटर दे विच फिट कर रहे हैं। ये तुसीं देख रहे जे अंडा आ, इहदा बाहरली झिल्ली नूं अलग किया जा रहा ताकि अंडा बिल्कुल नेक्ड हो जाए, नंगा हो जाए, ताकि स्पर्म ते
एग का मिलन वेले कोई प्रॉब्लम ना आए। एक सी प्रोसीजर वास्ते आ मशीन यूज होंदी है जिन्हों माइक्रो मैनुपलेटर कहा जाता है। ये स्टेज है जिथे कि अंडे ते स्पर्म का असी मिलन कराना एक सी।